Future Birds, welcome back to my channel. Today we are going to do NAS Sample Paper A of Class 10 Social Science. देखो मैं सिर्फ तुम्हें आंसर्स नहीं लिखवाऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो नो एंड तक जरूर देखियो। मेरी कोशिश होएगी भी मैं वीडियो नो दो पार्ट्स डिवाइड कर दूँ, जे तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, पर जे वीडियो छोटी हुई तो मैं सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगी। इतने देखो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस सॉइल इज फाउंड इन 24% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री बिकॉज दिस सॉइल इज यूजुअली ब्रॉट बाय वाटर बाय रिवर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जल प्लस रोड सॉइल, वट काइंड ऑफ सॉइल एम आई टॉकिंग अबाउट। देखो जिहड़ी ये सोयल है कहिंदे इंडिया दे 24% एरिया दे विच पाई जांदी है, जिहड़ी ये सोयल है ये किहदे नाल आउंदी है, रिवर्स दे द्वारा, रिवर्स दे पानी द्वारा आ जांदी है, ये जड़ जल प्लस रोड सोयल दे नाम तो जाना जांदा है। किहड़ी मिट्टी है? एल्यूवियल सोयल। किहड़ी सोयल है? एल्यूवियल सोयल। इन्ना याद रखना, जिहड़ी भी मिट्टी पानी दे द्वारा आउंदी है वह किहड़ी हुंदी है? एल्यूवियल सोयल। तो यह मोस्ट फर्टाइल सोयल हुंदी है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, वट टाइप ऑफ एल्यूवियल सॉयल आर लेस पोरस, कोर्स, लोमी एंड हैवी ड्यू टू द हाई कॉन्टेंट ऑफ फाइन पर्टिकुलेट एंड विच इज़ फाउंड इन द रिवराइन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ साउथ इंडिया। हूँ एडे वे क्वेश्चन का मतलब की है, केंद्र केड़ी एल्यूवियल सॉयल की टाइप है जिहड़ी घट पोरस होंगी है, घट कोर्स होंगी है, घट लोमी तो हैवी होंगी है, क्योंकि वो फाइन पार्टिकुलेट्स का बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट होंगे। ठीक है, मड का बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट होंगे। ये जिहड़ी मिट्टी है ये रिवराइन पार्ट्स से पाई जाती है नॉर्थ से साउथ इंडिया के, ये कौड़ी मिट्टी है? ये हैगी है कोस्टल एलूवियल सॉयल। कोस्टल एलूवियल सॉयल। What type of soil are found in the colored state on the map of India? केंद्र इंडिया के मैप के जड़िया कलर्ड स्टेट्स ने, इतने कि मिट्टी पाई जाती है? हूँ तुम ये देखो, ये जो एरिया है इतने सारे हिमालय है, फिर इतने सारी रिवर्स भी वगदिया ने, तो मैंने की कहा से जितों रिवर्स जाए ने उत्थे कि मिट्टी होंगी है? एलूवियल सॉयल। कि होंगी है? एलूवियल सॉयल। तो यह की आएगा? बी ऑप्शन। अगे है, दिस टाइप ऑफ सॉयल इज फाउंड इन द हिमालयन स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सॉयल। कहते इन कि टाइप ऑफ सॉयल है जी पाई जाती है हिमालयन स्टेट्स के यूपी, बिहार तो वेस्ट बंगाल की? यद आंसर की आएगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ द एबव। वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, really sorry. Next is, which country is considered to be the father of industrial development in the modern age? kende apni jehdi modern age di industrial development hai oda father kisnu manya janda hai, kehdi country nu manya janda hai? ta fir us da answer aayega c, England. theek hai. Next is, which part contributes 3/4 of the country's coal production? केंद्र ऑल ओवर कंट्री की जी कोल प्रोडक्शन है वो इंडिया के केड़ी वैली या माइन है जो भी है वो 3/4 जरा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, वो केड़ी है? दमोदर रिवर वैली। दमोदर रिवर वैली। अ शिप नेम्ड सी एम्परर, एक शिप सी जिहदा नाम से सी एम्परर, वॉज टेकन आउट ऑफ द सी एरिया टू सर्च फॉर ऑयल, फ्रॉम विच कंट्री वॉज इट टेकन? कहिंदे इहनूं बाहर कढ़िया गया सी सी एरिया दे विचों ऑयल सर्च करन लई, तो किहड़ी कंट्री चों कढ़ी गई सी? दैट इज़ जापान। जापान। अगला है, विच इज़ द ओल्डेस्ट न्यूकलीयर पावर प्लांट इन इंडिया? तारापुर। कहिंदे किहड़ा ओल्डेस्ट न्यूकलीयर पावर प्लांट है इंडिया दे विच? तारापुर। इनिशियली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स एंड 12 सिक्यूल्स schedules, but from time to time as the need arose many changes were made to the over 100 improvements have been made. What is the significance of these amendments in the Indian constitution? kende apna jehda india da constitution hai ede vich 395 articles hai, 12 schedules hai, kende jive jive time de anusar lod pende rahi hai usse tarah de vich changes bane ne, तो
चेंजेस ने जोड़े वो इदा नहीं हुए। देखो अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप राइट है भी आप जो अपन कोई चीज़ नहीं सही लग रही आप जजेस के नाल सारा करके प्रोसेस आप सही करवा सकते हैं, अपना मत सही होना चाहिए, अपने को राइट है, आप खिलाफ़ बोल सकते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं, राइट टू स्पीच भी है अपने को। अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है किस टाइप का हो गया, फ्लैक्सीबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी टाइप तो किसी जगह तो फ्लैक्सीबल भी है, जिते लोड़ है उसे फ्लैक्सीबल भी है, पर किसी जगह तो रिजिड भी है। रिजिड क्यों हूँ देखो जो आप सारी पब्लिक न बहुत सारिया छूटा दे देंगे तो वह भी गलत होएगा। किसी किसी जगह रोक लगानी चाहिए है, किसी किसी जगह फ्लैक्सीबिलिटी भी देनी चाहिए है, जो कि अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। अगे है द प्लेसिज शोन ऑन द मैप आर फेमस फॉर विच मिनरल। देखो कहते उ मिनरल पाया जाता है, जरिया, रानीगंज, एक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो इतने के आप रानीगंज तो समझ जाना चाहते, जैसे रानीगंज का नाम आ गया उसे कि मिनरल पाया जाता है, कोल। विच मिनरल इज फाउंड, कोल। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगले दे क्वेश्चन ने जो आप नैक्सट पार्ट के कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। टोटल 10 क्वेश्चन आप कवर किए ने, चंगी तरह याद करो ताकि थोड़े नवंबर एग्जाम तो नैस दोनों की तैयारी हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।